अभिनेत्री से पहले हेमा मालिनी की पहचान एक नृत्यांगना की है और नृत्य के प्रति उनका ये जज्बा अब एक नए रूप में सामने आ रहा है। इतने सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही हेमा मालिनी ने आज एक नया कदम लिया है। डांस तो आपकी जिंदगी का हिस्सा शुरू से ही है, लेकिन ये जो एक नया कदम आपने लिया है सुकेश विली, मुझे वो नाम ही इतना क्यूट लग रहा है क्या ये हेमा जी खुद बताएंगे। इज जॉर्जियन डांस इंस्टीट्यूट है विच इज देयर फॉर मेनी मेनी ईयर्स, बहुत सालों से उनका है। जैसे हमें हिंदुस्तान में हमारा साउथ में कला क्षेत्र है रुक्मणी अरुंडेल जी का, जैसे बहुत पुराना है, वहाँ पे डांस सीखने के लिए लाइक एक गुरुकुल, वहाँ पे बैठ के वहीं पे सीखते हैं। सिमिलरली दिस इज इन जॉर्जिया, ये सुकेश वली है, बहुत सालों से है, वहाँ बहुत सारे बच्चे लोग आके दे गेट ट्रेन टू लर्न दिस जॉर्जियन डांस। इट्स ए वेरी ब्यूटिफुल डांस, मोर ऑफ ए वॉरियर टाइप ऑफ अ डांस, तो वो देखने के भी अच्छा लगता है और बहुत इतना एनर्जेटिक है और एक एक लड़का इतना ऊपर कूद के नीचे लैंड होते हैं ऑन देयर घुटने पे और वो इतना ऐसा सर्कल लेता है, सो मेनी मूवमेंट्स आर देयर विच इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। हेमा मालिनी की ये शुरुआत जॉर्जियन डांस ट्रूप से हो रही है जो 8 तारीख को मुंबई में भारत के डांस ट्रूप्स के साथ परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ जो आप सुकेश विला को लेकर आ रही हैं, कैसे होगा ये, क्या कुछ करने वाली हैं यहाँ पर? सी देयर आर अबाउट 40 पीपल आर कमिंग फ्रॉम जॉर्जिया, 40 कलाकार आएंगे, उसमें से कुछ ऑर्केस्ट्रा, रियल लाइव ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे, 30 तो डांस करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, and it's a group dance, it's not single koi nahi, it's a full entire presentation is like that, kyunki wo aake yahan pe india mein karenge to hame bhi indian art ko dikhana hai, that's why it is called synergy, it's a fusion of western dance and our indian dance, it's a western georgian dance and you will see our indian dance which is completely the traditional डांस मैं दिखाना चाह रही हूँ। सो आई टुक भरतनाट्यम फ्रॉम साउथ विद अ कर्नाटिक म्यूजिक एंड ऑल, बिकॉज म्यूजिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई टुक कथक, सो कथक हैज गॉट अ हिंदुस्तानी फ्लेवर ऑफ म्यूजिक, सो दिस टू कॉम्बिनेशन विद नॉर्थ ईस्ट के पूंजी चलन, दोज बॉयज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दे प्ले दैट ढोल या मृदंग बजाते हैं, वेरी ब्यूटिफुल डांस उनका डांस, ऑल ओनली बॉयज, सो इसका रखा है। आफ्टर Georgian performs these three style of dance you will see, then it's a complete mixture of all together. अब ये सुनिए कि हेमा मालिनी की रशियन फैन फॉलोइंग कहाँ से शुरू हुई। आप कब गई थी जॉर्जिया और कब आपको लगा कि इस ये जो बात है इसे आपको देश में, अपने देश में लेकर आना? देखिए मेरा बहुत फैंस है रशिया में, एंड ये जॉर्जिया वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, लेकिन अभी सब सेपरेट हो गया तो जॉर्जिया इज सेपरेट। अब क्योंकि मेरे इतने फैंस, तो सबसे बड़ा तो राज कपूर जी है, राज साहब का इतने फैंस, उन्होंने हमारे इंडियन फिल्म को, बॉलीवुड फिल्म्स को पॉपुलराइज किया उन्होंने, यू नो, बिकॉज ऑफ हिज फिल्म आवारा एंड ऑल दिस थिंग। सो व्हेन एनी इंडियंस जब जाते हैं रशिया, मॉस्को में, कहीं पे भी मॉस्को में, तो पहला बोला मेरा जूता है जापानी गाता है, यू नो, सो दे आर, इट्स सो पॉपुलर, राज साहब हैज मेड आवर कंट्री देयर इन रशिया। तो उसके बाद कौन आता है मुझे आई एम एब्सोल्युटली अननोन, आई डोंट इवन नो एनीथिंग अबाउट इट, सडनली सो मेनी पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी एंड देन आई सेड हाउ दे नो मी, देर आर सो मेनी अदर इंडियन आर्टिस्ट आर देयर, दे लव सीता गीता, and then when I say that my another film was also very popular, Sholay, they are nothing to do with Sholay ke bare mein unka malum bhi nahi, and bola are Sholay you don't know Sita Geeta, so I am popular there as Sita and Geeta, that picture has become, to Georgia se kai log yahan aaye mujhe milne ke liye,
बॉम्बे में आते हैं, कहीं पे भी मैं शो करूँ तो ऑल आई सेड देयर रशियंस नो जॉर्जियन जॉर्जियंस फ्रॉम जॉर्जिया दे कम एंड देन दे ऑल इनवाइटेड मी. तो उन्होंने वहाँ बोला होगा वहाँ का गवर्नमेंट में है ना, वहाँ पे फिर वहाँ से इनविटेशन आया मुझे टू अटेंड वन विमेंस कॉन्फ्रेंस. सो मैंने अटेंड किया और बड़ा एक इट वॉज पार्ट ऑफ द टूर. उसमें से एक टूर साइट सींग्स और कई जगह गए, कई लोगों को मिले ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के लोगों से. देन दे वेंट टू सी द सुकेशवली डांस इंस्टीट्यूट, वो बड़ा अच्छा लगा. तो मुझे लगा कि इसको हमें यहाँ इंडिया में लेकर आना चाहिए, ये डांस को हमारे हिंदुस्तानी भी देखें. इन्होंने मुंबई के इस शो के लिए एक स्पेशल गेस्ट लिस्ट तैयार किया है. और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आप किसे चाहेंगे कि आकर के देखें, क्योंकि इसमें एजुकेशन पाना भी बहुत बड़ी बात होती है. टोटली. सो आई एम वेरी कीन दैट लॉट ऑफ आवर कोरियोग्राफर्स कम. सो आई हैव आस्क्ड रेमो फर्नांडिस, शामक दावर जी एंड जितने टेरेन लुइस और फारा खान, सरोज खान जी, सबको बुलाया है. अभी जो जो जिसके पास जितना टाइम है वो आएंगे. एक्टर में भी सबको बुलाया. एंड आई एम वेरी कीन शाहरुख कम्स, अमित जी कम्स एंड दे विल ऑल बी कमिंग. हेमा मालिनी अपनी संस्था जया स्मृति के अंतर्गत अब विदेशों से डांस ट्रूप्स अपने देश में लाकर शोज करने की पूरी तैयारी में है. सो आई एम हैविंग द शो ऑन द 8th इन बॉम्बे, 10th इन दिल्ली, देन कोलकाता एंड चेन्नई नेक्स्ट वीक. सो लाइक दैट चार शो करेंगे फिर जाएंगे. उसके बाद वो लोग बुलाएंगे तो हम लोग हमारे आर्टिस्ट को लेकर उनके साथ परफॉर्म करेंगे. या इट लुक्स लाइक दैट बट इट्स नाइस. एंड ऑल्सो नेक्स्ट ईयर आई एम वेरी कीन टू ब्रिंग द रशियन ग्रुप ऑल्सो. सो लाइक दैट इफ माई जया स्मृति में और भी आगे बढ़ना, इट्स बिकमिंग इंटरनेशनल, मे बी हर साल में एक एक कंट्री के डांसर्स को बुला के यहाँ हमारे इंडिया में हम प्रेजेंटेशन करें. बहरहाल हेमा मालिनी की तैयारी पूरी हो चुकी है और जॉर्जिया से पूरा ग्रुप भारत आ चुका है. ऐसे में प्रबंधक के तौर पर हेमा मालिनी खुद उनके स्वागत के लिए पहुंची. इलिया है इनका नाम और ही इज अ कोरियोग्राफर ऑफ दिस सुकेशवली बैले. और इनसे आपको कुछ पूछना है, यू कैन स्टार्ट. एंड नीनो शी इज द मेन पर्सन इन दिस सुकेशवली. सो पूरा ग्रुप के साथ आए हुए हैं यहाँ पे और हमें बहुत खुशी हो रही है कि पूरा एंटायर ट्रूप यहाँ पर आ चुके हैं जॉर्जिया से. वी आर वेरी हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ यू हियर. Oh, it's a great honor for us to be the guest of Hema Malini. It's a life legend of India and very well known in our country as well. How do you know Hema Malini from the movies, a lot of movies. No, the Georgian days, it's not like we can stand and do it. It's not like India, we can show it like this. It's not like that. Obviously, I mean, we need some. Okay. No, sorry. Any it's like you not like experience. This. You can just mention in India and there's something, yes, but in Georgian days you have to more, I'm sorry, more full, powerful, yeah. But it's, yes, every folk dance and folk music, I think it's like an ornament, like painting, it's one colorful. तो आने वाले वक्त में ये सिनर्जी देखना दिलचस्प रहेगा. जोईता मित्र सुवर्णा, एबीपी न्यूज, मुंबई. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे.